हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे पीएसएल में कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं और कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिटेल में फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो एलेक्स हेल्स आ रहे हैं, कॉलिन मनरो आ रहे हैं, साथ साथ गेगरी आ रहे, फिलिप सॉल्ट आ रहे हैं और क्रिस जॉर्डन आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, मुल्तान सुल्तान की तरफ से रॉयली रूसो, जेम्स विंस, क्रिस लेन और साथ साथ कार्लोस ब्रैथवे और एडम लिम, ये इनके मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स हैं। लाहौर कलंदर्स का भी काफी मजबूत है। इनके पास डेविड विसा आ रहे हैं, इनके पास बेन डंक आ रहे हैं, इनके पास राशिद खान आ रहे हैं, समित पटेल आ रहे हैं और इनके पास भी जो डेलिंग के पास आ रहे हैं। ठीक है, पेशावर जर्मनी के भी कुछ अच्छे फॉरन प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें लिंग लिविंगस्टन है, मुजीबुर रहमान है, रदरफोर्ड है, डेविड मिलर है और साथ साथ रवि बुपारा, इनका भी काफी मजबूत स्क्वाड है। ठीक है, फिर इसके बाद है कोटक ग्लेडियर्स, इनके पास बेन कटिंग होगा, इनके पास क्रिस गेल होगा, टॉम बेंटन होगा, इनके पास डेल पोर्ट होगा और डेल स्टेन इनके पास होगा। फिर कराची किंग्स का भी काफी मजबूत स्क्वाड है, कराची किंग्स की तरफ से हमें कॉलिन इंग्राम देखने को मिलेंगे और साथ मोहम्मद नबी, डैन क्रिस्टियन, वॉल्टन, जो क्लॉक और इस तरह के कुछ प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे और क्रिस गेल भी हमें कोटा क्लाइडेटर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में डाल दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।